अभी क्या है कि जो ग्रीन वायर है, ये ग्रीन वायर हमें यहां लगाने वाले पहले, और जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर, इनको न्यूट्रल में डाल देना है। इधर न्यूट्रल लिखा है एन, ठीक, और ये रेड वाला है लाइन, ये जो रेड वाला लाइन है वो प्रतिवी स्विच ऑन ऑफ करते समय वो बंद होना चाहिए। ये जो रेड वाला लाइन है उनको हमें पहले एक स्विच में डाल दो, बाद में ये स्विच में से ये स्विच में, ये स्विच में से ये स्विच में, सब में लगा देना। कैसे? तुम्हें लूपिंग करना ऐसे और ऐसे, मैंने इधर से इधर या इधर से इधर, मैं इधर से इधर ले सकता हूं, बनाने में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दिखने में फर्क पड़ता है। हाँ, मैं वो भी दिखाऊं आपको, ये जो स्विच है ज्यादा डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, मतलब ये जो दो वाली है कहीं में तीन रहता है, कहीं में चार भी रहता है, और ये सबका नाम रहता है। ये जो स्विच है उनका नाम है एसपीएसटी, ये जो स्विच है उनका नाम है एसपीएसटी, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, या कुछ इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन जैसे जो कुछ आइटम के वो आपको बोलते वन गे सिस्टम होते हैं, वन गे उनको बोलते हैं वन गे। तुमने दो ही देखा, उनको टेक्निकल नाम है एसपीएसटी, मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ऐसे तीन वाली है, तीन वाले का नाम है टू वे, कहीं तो ऊपर रहेगी वरना नीचे रहेगी। उनका नाम है क्या है एसपीएसटी जैसा, नहीं ये डबल थ्रो है, ये जो थ्रो मतलब इधर एक थ्रो दूसरा इधर थ्रो, जब थ्रो होगा तो ही करंट पास होगा, थ्रो इधर होगा थ्रो तो भी करंट है, इधर जाएगा तो भी थ्रो है, लेकिन पोल एक ही है, पोल बीच वाला एक ही है, तो सिंगल पोल डबल थ्रो एसपीडी। दूसरी क्या है डीपीएसटी रहती है, मतलब जो हमारे घर में डीपी बोर्ड है, डबल स्विच एक साथ में लगे है, मतलब जो एलसीडी नहीं थी तभी थी, अभी एलसीडी में भी डबल वाले आ गए, डबल एलसीडी साथ में, तो उनमें क्या है ऐसे दो स्विच है, एक साथ में लगेगी या छूटेगी, ये इनके साथ लगेगी, ये इनके साथ लगेगी, ये इनको बोलते हैं डबल पोल सिंगल थ्रो। हम लोग उनको मेन स्विच बोलते हैं,
उनमें क्या कर देता है, एक लायु वायु को लगा लेता है और दूसरा मित्र भी लगा लेता है, दोनों बंद होगा, दोनों चालू होगा, ऑन ऑफ मेक एंड ब्रेक दोनों होगा, ठीक है। स्विच का कंसेप्ट क्लियर। और व्हाट टाइप की है कि डबल पोल सिंगल जो है, डबल पोल डबल जो है, इंटरमीडिएट है, बहुत सारे स्विचेस है कि बाद में कभी आपको जिनको इंटरेस्ट है वो आ जाओ, मैं दिखा दूंगा, स्विच के साथ दिखाऊंगा। लेकिन सबको क्या है, शायद सुनते हैं कि खत्म हो जाए करे और मेन बाकी न रहे, हम पहले आपका जो मेन टॉपिक है वो खत्म कर लेते हैं। अभी क्या है कि जो लाइव वायर है ये सब प्राथमिक इंतजार है। अभी हमें एक फैन ट्यूबलाइट लैंप उनको चलाना है, तो हमें जो अपना घरे हमें जोश हो तो घरे पट्टी चलती पट्टी मारी निकलेगा और सिंगल लाइन में ये फैन को, ये लैंप को और ये ट्यूब को, सबको एक न्यूट्रल वायर मिल जाना चाहिए। वो कैसे, कलर ना तो लगाना व्हाइट लगाना, देखो ये क्या है, ये ब्लू वायर इधर गया और इधर जॉइंट है दो जगह, ये दोनों वायर कनेक्ट किया हुआ है, कनेक्ट करके इधर आए वो भी कनेक्ट किया हुआ है, लैंप के साथ भी कनेक्ट है, ये वायर एक ही है ब्लू वाला। अभी रेड वाला, तो ये जो रेड वाला है सो जब फैन को ऑन करना है तो सीधा स्विच से ऑन करो तो फैन ऑन हो जाए, लेकिन हमें रेगुलर भी लगाना, पहले हम फैन को सीधा लगा लेते बाद में रेगुलर पिक्चर में डालते हैं। सो जो फैन की स्विच है एफ, तो ये जो रेड वाला वायर इधर आया, इधर से इधर, इधर से इधर, और ये फैन में लग गया, ये फैन अपना और हो, ठीक है। अभी एक दूसरा जो लैंप है, लैंप को चलाना है, ये बीच वाली है, ये लैंप की ऐसा समझ लो, ये स्विच ये जो स्विच ऑन करोगे तो लाइव वायर इधर से इधर आया, ये ऑन हुआ, ये इधर से इधर लगा और लैंप में से न्यूट्रल में कंप्लीट होकर लैंप शुरू हो जाएगा। स्विच जब बंद करोगे तो लैंप बंद हो जाएगा। अभी ये जो फैन है वो उनको अभी ग्रीन लगाना है, बाद में लगा लेंगे। अभी जो तीसरे वाले ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के लिए भी हमें ऐसे ही कुछ करते हैं, ये जो नीचे रखा था मैं तो उनको हम ऊपर ले लेंगे उनको, ठीक है। आगे अभी ये स्विच ऑन करोगे तो ऑन होगा, लेकिन हमें ये प्लग की स्विच ही नहीं रखी, तीनों की तीन स्विच आ गए तो प्लग के स्विच है, तो हम उनको एडिशनल स्विच डाल देंगे प्लग के लिए, थोड़ी जगह बना लेते हैं।
ये जो लाइव वायर है प्लग का, उनको इधर से इधर लगा, बात खत्म। ये लाइव है, ये प्लग स्विच में से लाइव लगा लिया। जब ये स्विच ऑन करोगे तो इधर लाइव आया, ये इधर से लाइव इधर आया। ये स्विच जब ऑन करोगे तो प्लग से लाइव आ गया और ये न्यूट्रल मिल गया। प्लग में जब ये लैंप डालोगे और स्विच ऑन करोगे तो लैंप शुरू हो गया। कोई भी बॉल निकाल के देख लो, ऐसा ही है, कोई उनमें चेंज नहीं है, पूरे जी से और आपके ड्रेनेज से ऐसा ही। दूसरी बात, हमें ये फैन जो है उनको स्पीड को कम ज्यादा करनी है, तो क्या करना है, ये जो फैन का वायर है ना उनको इधर से काट दो फैन का, और ये जो दो वायर था रेगुलर का, वो रेगुलर का वायर एक इधर डाल दो और दूसरा एक फैन में डाल दो, बात खत्म। तो भी क्या होगा, ये जब स्विच ऑन करोगे तो रेगुलर में जाएगा, रेगुलर के तो स्विच इधर इधर लगेगी तो ये रेजिस्टेंस में होके ये फैन में जाएगा। जब तक ये स्विच घूमने जाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा तो करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा ज्यादा बस बात खत्म। ये हुआ आपका घर का वायरिंग, और सेम प्रिंसिपल सेम मेथड से ये हमें बहुत का समझ लो, ये तीन लैंप और ये प्लग है, तो तीन लैंप की जगह पे चार प्लग डाल दो और ये चार स्विच लगा, रेगुलर भी जरूरी नहीं। तो हमें क्या करना है, ये जो बोर्ड है मेरा सबको दिखे, इसमें बड़ा दिखा रहा हूं, कोई गलती न रह जाए इसकी वजह से बड़ा। ये बोर्ड में प्लग हमें कैसे लगाना है, ये प्लग हम ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। तो प्लग नीचे आए थे और स्विच ऊपर, प्लग ऊपर है स्विच नीचे, हमें कैसे उनको ऊपर करना है वो इम्पोर्टेंट है।